एक्शन। कल इसी टीवी में तुम्हारी फुटेज दिखाऊंगी। कौन सा फुटेज? मेरा लिया हुआ फुटेज, सब रिकॉर्ड हो गया है। ये देखो कैमरा। ए, ये देखो कैमरा। कैमरा कहाँ गया? ये कैमरा हटाया कैसे? मुंह की सफाई। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई, लेके आयो तुम्हारे लिए एक और वीडियो जैसे तबाही। आई एम श्योर इसके बाद तुम्हारा भेजा हो जाएगा फ्राई, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे अभी तक तुमने देखा ही नहीं होगा ना मेरे भाई। क्या? अरे ऐसा टॉपिक नहीं देखा होगा क्या? दो बार बोल चुका हूँ यार, भरा है क्या? तो भाई लोग दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें हमारी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे चोर जिन्हें देख के निकलेगा तुम्हारे मुंह से माया ओ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करना अनिवार्य है, वरना गलती करने वाला करोड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भैया, चोर लोग एक ऐसी संस्था जो अगर रियल लाइफ में चोरी करे तो उसको मिलती है गालियों के साथ पिटाई, और वही अगर मूवी में करे तो उसे मिलती है तालियों के साथ वाहवाही। ये भेदभाव क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि हर किसी को अपनी आबादी और दूसरे की बर्बादी ज्यादा अच्छी लगती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तुम ही बताओ, किसी भी मूवी में अगर हीरो चोरी करता है तो कोई चाहता है कि हीरो पकड़ा जाए? नहीं ना, क्योंकि चोरी हमारे घर पे थोड़ी ना हो रही है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे प्रॉब्लम है इनके चोरी करने के शो ऑफ से। अब तुमने धूम 2 मूवी देखी है ना, उसमें तुम्हें ये वाला सीन तो याद ही होगा। इस सीन में ऋतिक भैया मस्त स्टैच्यू बनके अत्याधुनिक उपकरणों का यूज करके इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में एक देश कीमती हीरा चुरा लेते हैं। इसमें गलत क्या है? अरे कैसे गलत नहीं है, तुम एक बात बताओ, इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में ऋतिक भैया यहाँ आके खड़े कब हुए? चलो मान लेते हैं कोई नहीं होगा, तब आके खड़े हुए थे। अरे तभी हीरा चुरा के ले जाते ना, इतना सारा झमेला करने की क्या जरूरत थी? और भाई ये मूवी के सिक्योरिटी वाले इतने नल्ले होते हैं ना, चोर इनके सामने से भाग जाए इनसे पकड़ा नहीं जाता। सल्लू भैया की किक मूवी तो याद ही होगी, उसमें एक सीन था, पहले इसे देखो। बस आई नो, अब पुलिस वाले सल्लू भैया का गाड़ी से पीछा करेंगे, बाइक से पीछा करेंगे, पर पकड़ थोड़ी ना पाएंगे और सल्लू भैया आराम से निकल जाएंगे। अरे इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर गाड़ी और बाइक से कोई भी तेज चीज भाग सकती है वो है साइकिल। देखो मेरी साइकिल। और कभी कभी तो ये चोर लोग चोरी नहीं मजाक करते हैं। 2007 की कैश मूवी याद है, उसमें एक सीन था, दिखाता हूँ। सर, यू कैन टच द आर्ट प्लीज। कबड्डी 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 कबड्डी। और ऐसे होती है इस सदी की सबसे बड़ी चोरी, जिसमें पुलिस वालों की ले ली फिरकी और सारे चोर भी लाइक। ये सिक्योरिटी वाले क्या रितेश भैया के साथ मैराथन दौड़ना चाहते थे या रेस लगाना चाहते थे, जो पेंटिंग लेके चुपचाप भागने दिया? यार ऐसे चोरी कौन करता है बे? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं, और अगर आप में से कोई अल्लू अर्जुन का फैन है तो उन्होंने ये डेंजरस खिलाड़ी तो देखी होगी। उसमें एक सीन था जिसमें गैंग ऑफ सोनू सूद आते हैं रात में करने को बैंक लूट, लेकिन जैसे ही वो बैंक का लॉकर खोलने की कोशिश करते हैं उनकी गान मतलब उनकी फट जाती है। हम ये लॉकर नहीं खोल पाएंगे। अब उनके पास केवल एक ऑप्शन था कि उन्हें बैंक का लॉकर खोलने के लिए चाबी चाहिए। जरूर खोलेंगे, पर चाबी से। स्ट्रॉन्ग रूम में अभी भी स्टाफ को होना चाहिए, उनके पास चाबी होगी। उसके बाद सोनू सूद भैया स्टाफ से लेके चाबी, लॉकर रूम खोल के हथिया लेते सारी धन राशि। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, जब इनको क्रेन से दीवार तोड़ के ही पैसे ले जाने थे तो इन लोगों ने चाबी के कान में डालने के लिए ली थी? अरे मैंने कान बोला है, हो सकता है कान में खुजली हो रही हो। सच में ऐसा आईक्यू देखने के बाद तो मन करता है इनकी। समझ तो गए होगे आप लोग। वैसे हमारे सोनू सूद भैया रॉबरी में बहुत माहिर हैं। इन्होंने रॉबरी मूवी में भी कुछ ऐसा ही किया था, एक बड़े से ट्रक को लूटा था। इतने बड़े ट्रक में केवल 3 संदूक, जो चीज ऑटो में आ जाए उसको ये ट्रक में लेके जा रहे हैं, और जो चीज गाड़ी के डिग्गी में भी ना आए उसको सोनू भैया पिट्टू बैग में भर के ले गए। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और सही बोलूं ना भाई लोग, मेरे को हमारे चोरों का समझ में नहीं आता कि उनको ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिल कहां से जाती है, जो हमने कभी देखी भी नहीं होती। यहां पे एक कपल है जो गाड़ी से जा रहे हैं और इनका एक बाइक वाला पीछा कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, बाइक वाला भी एक चोरी है, लेकिन इसके पास एक रिमोट है जो गाड़ियों को हैक कर सकता है। Thank you.
हाँ वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, कार को हुआ क्या? ये तेल से चलने वाली है, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है। ऐसे डिवाइस अगर बने पड़े हैं तो ट्रैफिक पुलिस वालों को दो ना, कोई भी गाड़ी पुलिस वालों के हाथ से भाग नहीं पाएगी। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, फिर हमारा बाइक वाला चोर डिग्गी में से पैसों का बैग निकालता है और दोनों गायब। और मैं सच बताता हूँ, हमारे चोरों के पास सुपर पावर तो नहीं होती कि मुक्का मार के दीवार तोड़ दे, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कितनी भी मोटी दीवार बनवा लो उनके टेक्नोलॉजी के आगे टिक नहीं पाएगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? अरे बताता हूँ मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्राइम पेट्रोल की तरह सावधान और अपने भाईचारे के लिए सतर्क करके ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवी तुम देख रहे हो ये 100 साल पहले की है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में तो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं भी कोई डायरेक्टर फ्यूचर से आके पायरेसी कर रहा हूँ। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन? अरे तो ये मूवी वाले भी तो कुछ भी दिखाते हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ भी बोल दूं, पब्लिक तो पागल बनी जाती है ना। और तुम लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि तुम जितनी भी रॉबरी वाली मूवी देख लो इनके चोरों का एक सिमिलर डायलॉग जरूर होता है, जो कि है 10 मिनट। इस 10 मिनट के अंदर अंदर हमें काम पूरा करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास बस 10 मिनट है पूरी रॉबरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। आने में इतनी देर क्यों करती? अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ये रहा सेफ। हाँ हम सबको मालूम है कि तुम ये सब चीजें केवल 10 मिनट ही दिखाओगे, क्योंकि बचे हुए टाइम में तो तुम्हें अपनी चुम्मा चाटी लव स्टोरी ये सब दिखाना होता है ना। क्या बढ़िया था गुरु। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ये तो अब होता है, पहले के मूवीज में थोड़ी ना होता था। अरे मेरी बात मानो, ये सब कुछ हमारी पूर्वजों की देन है। देखो इस देश की इनकी हीरे की जेट प्लस सिक्योरिटी। शहर में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपका हीरा किंग क्राउन ना चुरा ले? हमने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं। अच्छा वेरी गुड, वो कैसे सर? ओ नो रुको, अगर गलती से भी तुम्हारा पांव यहां पड़ गया तो अलार्म बज उठेगा। अरे रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस सिक्योरिटी अलार्म का डेमो भी दिखा देता हूं। अच्छा हीरे के पास तो कोई गया नहीं, फिर ये अलार्म कैसे बज गया? एक पानी की बूंद यहां गिरी और ये अलार्म बज उठा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लोर कितना सेंसिटिव है। अरे माना कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पानी की बूंद के मच्छर की मूंछ से भी अलार्म बज जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सबको बताते रहो। अब तुम लोग समझ जाओ इसके बाद क्या होगा। मिथुनदा और जैकी दादा आते हैं, चमगादड़ की तरह उल्टा लटक के हीरा चुरा के ले जाते हैं। तो भैया इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि अपने भेद किसी के आगे ना खोलें, और अगर खोलें तो बाथरूम में या बंद कमरे में खोलें। वैसे चमगादड़ वाली बात से याद आया कि चोर लोग में एक और बात सिमिलर होती है, ये मूवी वाले चोर कभी भी दरवाजे और खिड़कियों से नहीं आते, हमेशा उल्टा लटक के ऊपर से आते हैं। पता नहीं इनको अटरिया पे कौन सी छोकरियां लेके जाती है जो बार बार ऊपर से ही टपकते हैं, और अभी भी ये लोग शो ऑफ करना बंद नहीं करेंगे। देखो अजय सर के सामने बहुत सारी लेजर लाइट है, जिसे टच करते ही अलार्म बज जाएगा, इससे अजय सर आराम से बच सकते हैं, लेकिन क्या करें खून में बंदर का डीएनए होने का कुछ नुकसान भी होते हैं। देखा मैंने कहा था ना शो ऑफ, अजय सर चाहते तो सीधा सीधा लेजर लाइट टैप भी सकते हैं, लेकिन नहीं कलमंटिया मारनी जरूरी है ना भाई। ये चोर लोगों की प्रजाति हमको नहीं समझ में आती, अगर तुमको आती तो प्लीज कमेंट करके हमको भी बताती, चलो हम भी कमेंट पढ़ने जाती। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतने, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कभी कभी डिफरेंट टॉपिक ट्राई करते हैं तो भाई सपोर्ट दिखा दिया करो अपना, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है।